नमस्कार दोस्तों, पुष्कर 100 MG ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आज हम आपको ले आए हैं कहाँ, नानक मत्ता डैम, नानक सागर डैम से जो जाना जाता है। यहाँ सभी लोग लोकल में नानक मत्ता डैम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आज मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दूर तक अब इस बार पानी, पिछली बार में जब आया था तो पानी बहुत कम था, पर इस बार पानी बहुत है। दूर तक आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम बारिश में ही शूट कर रहे हैं, ठीक है। मैं और मेरे साथी यहाँ पर आए हैं और आप देखिए आज मौसम बहुत अच्छा है। आगे के व्यू मैं आपको दिखाता जाऊँगा, यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि आप आएँ यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रकृति ने जो नज़ारे दिए हैं बहुत ही अद्भुत हैं। उत्तराखंड ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि उत्तराखंड अच्छा है, यहाँ पर लोगों को देखिए कि यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकृति आपको दिखाई जा रही है। पर जो डैम है बहुत पुराना है, आइए हम आपको दिखाने चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ पेड़ है, ये चीड़ का पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत पुराना पेड़ है अभी। और इसकी लंबाई यहाँ नहीं बढ़ी क्योंकि ये पूरा पहाड़ एरिया नहीं है इसलिए। और ये काफ़ी समय से खड़ा है और अच्छा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से तक दिखाएं कितना बड़ा है, बस आ जाइए। और यहाँ से आपको व्यू अच्छे दिखेंगे यहाँ पर आके। ये लोगों का फेवरेट स्पॉट है फ़ोटो खिंचाने का। यहाँ देखिए बहुत अच्छी फुलवारी जो लगा रखी है, हैं, इससे अच्छा आता है। और आप दिखाना चाहूँगा मैं, देखिए पीछे बादलों से भरा हुआ है ये एरिया पूरा और अच्छा लग रहा है इस बार। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ और यहाँ पर इस नज़ारों को खूब देखें, ठीक है। ये आप देखिए नानक सागर डैम का जो है मेन एरिया वो है ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पानी को रिलीज करने वाला जो एरिया है वो ये है। हम आपको दिखाएंगे कि पानी कितना रिलीज किया जाता है, किस हिसाब से रिलीज किया जाता है, ठीक है। आइए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हम अपने साथी से कहेंगे कि कृपया आकर यहाँ दिखाएं कि किस तरह से ये पानी का बहाव कितना हो रहा है। इसमें बिल्कुल कम बहाव दिया गया है, बस थोड़ा सा बहाव है अभी पानी का। मैं दूसरी तरफ को दिखाना चाहूँगा कि डैम के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। हम आइए डैम के दूसरी तरफ देखेंगे तो आप पानी का बहाव कुछ इस तरह देखेंगे। देखिए कितना अच्छा व्यू है। और लोग यहाँ पर पार्किंग के लिए आते हैं, यहाँ पर आराम से लोग घूमते हैं। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए हम अपने नीचे से दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें प्रकृति के ये नज़ारे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये जो माहौल है इस दिन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मौसम ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए नीचे से ये कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं ये अपने आप में ही कुछ कह रहा है। देखिए कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है ये। और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आएँ और आप लोगों को देखें यहाँ पर कितना अच्छा है मौसम। और इस बार पानी का बहाव बहुत अच्छा लग रहा है और अभी बरसात का मौसम है तो लोग सभी आ ही रहे हैं यहाँ पर घूमने। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं दूसरे साइड से आपको दिखाऊँगा। ये एक यहाँ पर कंट्रोलर है और ये देखिए आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे कभी भी। ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये मिस कर मत करिए आप। ये देखिए पानी के जो तेज़ बहाव जो आप देख पा रहे होंगे और दूर तक ये पानी पानी दिख रहा है। और यहाँ इसमें जो पानी के बहाव के साथ कुछ मछलियाँ ऊपर कूद रही हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ मछलियाँ कूद रही हैं इसके ऊपर पानी के बहाव के विपरीत, जो कि बहुत अद्भुत दृश्य है। मैं चाहता हूँ आप आएँ और ये देखें। इसके साथ ही मैं आपका
उत्तराखंड देव भूमि में आपका स्वागत करता हूं। और आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।